बिजली ना होने से गर्मी में गांव वालों को काफी दिक्कत होती थी। बच्चों को मोमबत्ती लगाकर पढ़ना पड़ता था। पहले दिक्कत आई कि टाबर अंधेरे में पढ़ को सकता नहीं, हमें लेट आओ टाबर पढ़े। पहले सब दिक्कत पड़ी साहब, लेट ही कोनी, तातो पानी पीता चाड़नो कोनी, गर्मी बीजी घनी होवे जी, तो दिक्कत तो घनी होवे, अंधेरो होवे रात को बार जावे तो खेल पड़े कोई बेहोर कोटो जो ठाको लागे, लेट रो बड़ो होके गर्मी में तंग हो, अब खाओ हर धन छोटो मोटा, अब खाओ तंग हो। मोमबत्ती जगा कर पढ़ते रात तपा देते। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के जरिए तिलक नगर गाँव में बिजलीकरण का काम हुआ। हजारों सुविधा होगी रही, कोई मोहरे तो सोच ही नहीं थी जो को आप कम हो गया, लाइट आने से मोहरे खेती के अंदर इतना प्रोग्रेस हो गया कि बात छोड़ दो साहब, बेरा लग जाए, पीने पानी की सुविधा हो जाए और चलने वगैरह की सुविधा हो जाए, पानी पान में लाइट हो तो मेरी बहुत ज्यादा सुविधा रहे, मोने लाइट और सुविधा होने से स्कूल खुल गया है, नेड़े नेड़े स्कूल बच्चा आने जाने में सुविधा रहे, मोरे साहब बहुत बढ़िया काम, ठंडो पानी मिलने लगे, लाइटा हो गई, सब सब्जी है, चाटनो हो गयो, पंखा लग गया, बच्चों को सुविधा घनी, नजदीक में स्कूल है, ठंडा पीते है, फ्रूटी खाते है, कहीं भी टावर पंखा वगैरह गर्मी भी लगा सको और टीवी वगैरह चला सके, टावर पड़ सके, उजड़े में रेगिस्तान में रहता है क्या, लाइट आने से सब कुछ हो गया ना, पानी ठंडा मिल रहा है, सब कुछ कूलर मिल रही है, क्या नहीं टीवी वगैरह सब चला सकते, क्या नहीं चला सकते। बिजली आने से गांव वालों की खेती में भी सुधार आया है, अब गांव वाले ठंडा पानी, पंखे की हवा और कई सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। तो बिल्कुल साहब, नाजुक जिंदगी आप तो समझ लो कि स्वर्गवासी हो गया, एड़ो काम हो गया साहब, बहुत अच्छा काम हुआ है लाइट आने से, धन्यवाद, बहुत खुश होता है, मिठाई मैं बांटिए दे, बड़ा राजी होया, खुश होया, परिवार सब भिड़ा हो, मैं मिठाई बांटिए, मीठा चावल बनाया, बहुत राजी खुश होया, बहुत 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 बधाई दो हमें लाइट आने। दीनदयाल विद्युत योजना की तरफ जो लाइट आई है, इसके लिए मैं सरकार ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के जरिए बिजलीकरण होने से गांव के सभी लोग बहुत खुश हैं।